एंड देन मिस्टर हैमल जो हैं वो उसे ये याद करवाते हुए कहते हैं कि हम रोज़ाना यही कहा करते थे कि हम ये कल कर लेंगे, बट नाउ यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन एंड येट यू कैन नीदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आर सेल्व्स विद। क्योंकि लास्ट डे जो होता है दैट इज़ अ वेरी मच इमोशनल डे, ये पछताने का दिन होता है शायद बहुत सों के लिए, एंड बहुत से जो हैं वो रिलैक्स और सेटिस्फाइड होते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट जॉब, बट मिस्टर हैमल इट सीम्स के ये उनका रिप्रोच यानी कि पछतावे का दिन है। वो कहता है कि लड़कों ने भी सीखना नहीं है सीखा। फिर वो पेरेंट्स के रोल की बात करता है कि योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, कि आप लोगों के जो वालिदैन थे उन्होंने भी कोई तवज्जो नहीं दी कि वो थोड़ी सी रकम के लिए आपको कहीं भी भेज देते थे काम के लिए, और क्लास और स्कूल और लेसन्स पे तवज्जो जो है वो नहीं देते थे। जब वो अपनी बात करता है तो कहता है जब मैं फ़िशिंग के लिए जाना चाहता था तो आप सबको मैं छुट्टी दे दिया करता था, और अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने गार्डन में फ्लावर्स को पानी देने के लिए आपको भेज दिया करता था। तो इट मीन्स के टीचर का भी एक ग्रेट रोल है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में और स्टूडेंट्स को फ्लरिश करवाने में, और अगर वो कोई चीज़ टीच करना चाह रहे हैं तो पर्सनल कामों को वो है जो बीच में नहीं ला रहे हैं। देन वो फ्रेंच लैंग्वेज की बात करता है तो कहता है कि दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड। ये जो है लाइन अंडरलाइन करने वाली है, नोट डाउन करने वाली है कि जब लोग ग़ुलाम बना दिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़े रखते हैं, इट इज़ एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन। तो उन्हें अगर वो अपनी लैंग्वेज को जानते हैं या लैंग्वेज को ओन करते हैं तो कैद की जो चाबी है वो उनके हाथ में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपने इसे नोट डाउन करना है, जब हम टेक्स्ट एनालिसिस करेंगे तो उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर वो ग्रामर का लेसन ओपन करता है और लेसन रीड करता है, और जो फ्रांस है वो इतना अमेज्ड होता है, हैरान होता है कि आज मिस्टर हैमल जो है वो बहुत अच्छे से लेसन पढ़ा रहे हैं, और वो ख़ुद पे बहुत हैरान होता है कि उसे बहुत अच्छे से समझ आ रही है। और वो कह रहा है कि ये तो बहुत आसान था, ये तो बहुत आसान था, मैंने कभी भी जो है इतना गौर से और अटेंटिवली सुना ही नहीं था। देन जो है ग्रामर लेसन के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, फिर राइटिंग में राइटिंग प्रैक्टिस का टाइम था, और मिस्टर हैमल ने आज उनके लिए स्पेशली डिफरेंट कॉपीज़ बनवाई थी अलग अलग सब स्टूडेंट्स के लिए। तो वो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए कॉपी जो बनवा के लाए थे उनको दी, और वो खामोशी से काम करने लगे। फिर जो है वो पिजन्स का थोड़ा सा जिक्र करता है कि वो आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, एंड कि ये जो पिजन्स हैं ये जो उड़ रहे हैं आज़ादी से, क्या ये भी जर्मनी में गाना शुरू कर देंगे। इट मीन्स के सारी जो फ़ज़ा है जब कंट्रोल्ड हो जाती है किसी फॉरेनर के हाथों या किसी गैर मुल्क के हाथों, तो उसकी जो फ़ज़ा है, हवा है, उसका जो माहौल है, इन्वायरमेंट है, वो उस कंट्री का ओरिएंटेड हो जाता है, वो उस कंट्री के हाथ में चला जाता है। स्पेशली सबसे जो मेजर इफ़ेक्ट आता है वो ह्यूमन बीइंग्स पे आता है, इंसानों पे आता है, और फिर जो है दूसरी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंडर आ जाती हैं। फिर वो कहता है कि काम लिखते हुए मैं कभी कभार मिस्टर हैमल को देख लेता था, तो मिस्टर हैमल जो हैं जो 40 साल से पढ़ा रहे थे इस स्कूल में फ्रांस, वो हर जगह को गौर से देख रहे थे। उनका यहाँ छोटा सा बाग था, अपनी क्लास थी उसी के सामने, और फिर वो उनकी सिचुएशन बता रहे हैं कि वो हर चीज़ को गौर से देख रहे हैं। देन जो है यहाँ पे अगर कोई चीज़ सिर्फ स्मूथ नज़र आ रही थी तो सिर्फ डेस्क और विंडोज़ और रूफ़ ही थे, बाकी चीज़ें जो है लगता था एवरीबडी इज़ सैड एंड एवरीबडी इज़ डिस्टर्ब। फिर जो है वो कहता है आज का लेसन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, आज का लेसन मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। फिर जो है लास्ट जो है वो ये कहता है पैराग्राफ में कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 का टाइम हो गया यानी क्लास ओवर होने का टाइम। At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. Mr. Hamel stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. My friend, said he, I, but something choked him. He could not go on. Aaj jo hai, wo bahut sad day hai. Mr. Hamel bahut sad hai.
वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट द वर्ड्स आर चोक्ड इन हिज नेक, कि उसकी गर्दन में जो अल्फाज हैं ज़ुबान पे वो फंस गए हैं। आज वो बहुत पेल और टॉल लग रहे हैं। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चाक एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट ही रोट एज लार्ज एज ही कुड। फिर उसने चाक का एक टुकड़ा उठाया, बोर्ड की तरफ वापस गए और जो है वहाँ पे लिखा वाइव ला फ्रांस। फ्रांस में इसने लिखा है कि इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न इन हिज हेड अगेंस्ट द वॉल एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। ओके, दैट वाज ऑल, के स्कूल का टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है, क्लास का टाइम ओवर हो गया है, आप सब जो है वो जा सकते हैं। ओके, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, चीज़ें हैं, जब आपने ये समरी सुनी, आपने इस लेसन के बारे में सुना कि हमारा चैप्टर जो है इसमें क्या बयान किया गया है, इसमें बहुत सी बातें हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, लाइक के मिस्टर हैमल का अपना कैरेक्टर जो है वो कैसा था, बीइंग अ स्कूल टीचर वो कैसा था, एक लैंग्वेज का व्हाट इज़ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द लाइव्स ऑफ एनी नेशन, कौमों की ज़िंदगी में ज़ुबान का रोल क्या होता है। ये जो मैं आपको हिंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं और आपने इनके आंसर्स जो हैं अपने आप को ज़रूर देने हैं कि वेदर दीज क्वेश्चंस वर आंसर्ड इन द समरी और इन द लेसन, कि क्या आपको ये लेसन में आंसर्स जो हैं वो मिल गए हैं या नहीं मिले हैं। देन अदर क्वेश्चंस लाइक व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन काज इन स्कूल दैट डे, बर्लिन से जो उन्हें ऑर्डर मौसूल हुए कि आज के बाद यहाँ पे सिर्फ जर्मनी पढ़ाई जाएगी, इससे क्या चेंजेस आए स्कूल रूटीन में। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंज, हमारा जो कैरेक्टर है वही नॉमिनेशन है, वही नुमाइंदा है या वही प्रेजेंटर है बाकी सब लोगों का, तो उसके थ्रू जो हम चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं या वो उसकी अपनी क्या फीलिंग्स हैं उस दिन के बारे में और वो क्या सर रिएक्ट कर रहा है लेसन के ऊपर, उस डे के ऊपर, वो सारी चीज़ें आपने नोट डाउन करनी हैं। What was France expected to be prepared with for school that day? और जब स्कूल आ रहा था तो उसे किन चीज़ों को प्रिपेयर करके लाना था। What did France notice that was unusual about the school that day? आज के दिन जो स्कूल में एक डे प्रेजेंट किया गया है या पेश किया गया है या नरेशन जो है बयान की गई है, उस दिन क्या चेंजेस जो हैं या क्या अनयूजुअल रूटीन थी स्कूल की, फ्रांस ने क्या नोटिस किया। What had been put up on the bulletin board? Bulletin board का भी जिक्र हुआ है, तो वहाँ पर क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है, students को क्या inform किया गया है। Okay, these are the all points जिनको आप mind में रखेंगे इस story को सुनते हुए, understand करते हुए और reading करते हुए। And if you students read your text, अगर आपकी बुक में जो टेक्स्ट दिया गया है इस चैप्टर का आप वो खुद पढ़ लेते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेल डन ऑफ यू, बिकॉज यू स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इनकरेजियस एंड डिटरमिन्ड। एंड प्लीज़ नोट डाउन द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ एवरी वर्ड, लाइक सी यू।